everyone, welcome back to Elite English Club. Today I brought for class 11th chapter 2 from Hornbill book, We Were Not Afraid to Die If We All Together. So let's start this chapter. Chapter is written by Gordon Cook. गॉर्डन कुक ने ये चैप्टर लिखा हुआ है और एलन ईस्ट जो द स्टोरी इज़ अबाउट अ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 ईयर्स ओल्ड जो बिजनेसमैन है वो ही नरेटर है इस स्टोरी का और वो अपनी वाइफ मैरी तथा दो बच्चे जॉनथन जो कि 6 ईयर्स का है और सुजैन जो कि 7 ईयर्स की है जिसे सू नाम से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है उसकी के साथ एक वर्ल्ड टूर पर निकला है। यह उसका सपना है कि वो अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पर जाए। वो एक शिप वेव वॉकर उसका शिप है जो कि 23 मीटर लंबा और 30 टन चौड़ा है लकड़ी का, बिल्कुल फेमस कैप्टन जेम्स कुक जैसे अपनी यात्रा पे बहुत सालों पहले निकले थे 200 साल वर्ष पूर्व, वैसे ही वो अपनी फैमिली के साथ इस यात्रा पर निकलता है। होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाइमाउथ। प्लाइमाउथ से निकलते हैं ये लोग इंग्लैंड से 1976 जुलाई में और जो 3 इयर्स लॉन्ग जर्नी है फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन, दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत ही प्रेजेंट होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और केप टाउन में ही दो ये उन्होंने क्रूमैन को हायर करते हैं जो उनकी इस यात्रा में वो आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उन्हें दो इतनी बड़ी यात्रा के लिए दो क्रूमैन की ज़रूरत होती है तो उन्हें हायर करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो कैसे इस स्टोरी को उन्होंने आगे बढ़ाया और कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करके इसको एंड तक सर्वाइव किया है और कैसे अपनी यात्रा पूरी की है। नरेटर और उसकी पत्नी जो है उस वो बड़े टूर पर निकले हुए हैं जो एक जेम्स कैप कुक के नाम से जाने जाते हैं। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 ईयर। उन्हें 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है शिप का और वो एक जैसा कि मैंने पहले ही बताया 23 मीटर और लंबे एक वो जहाज पर यात्रा शुरू करते हैं जिसका नाम वेव वॉकर है और वो टेस्ट इट इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स, जिन्होंने इसको रफ मंथ्स में भी इसको टेस्ट किया हुआ है। जुलाई 1976 दे ऑल स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम प्लाइमाउथ इंग्लैंड। प्लाइमाउथ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी, वो अफ्रीका से केप टाउन गए जिसमें उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी गुजरी। लेकिन जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने दो क्रूमैन लैरी विजिल और हर्ब सीकलर को हायर किया कि जिससे कि वो जो रफ मौसम होएगा, स्टॉर्म होगा, सदर्न इंडियन ओशन का जो वेदर होता है वो काफ़ी टफ होता है, उसको फेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए उन्होंने दो क्रूमैन को हायर किया। उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्गली उसको फेस किया। ड्यूरिंग द सेकेंड डे द स्ट्रॉन्ग वेव अलार्म्ड, तभी दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी स्टॉर्म आया, बहुत ही भयानक हवाएं चली। लेकिन 25 दिसंबर को उन्होंने 35,000 किलोमीटर को पार करते हुए केप टाउन में अपनी फैमिली के साथ कैसे भी मैनेज करके उस बुरे मौसम में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और 1 जनवरी को नए साल को सेलिब्रेट किया। वेदर चेंजेस फॉर द वर्स एंड ऑन 2 जनवरी, अब 2 जनवरी से वेदर और भी ज़्यादा बुरा हो गया था। काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स लहरें चल रही थी जो कि शिप को हिट कर रही थी। दे ट्राई टू स्लो शिप डाउन बाई ड्रॉपिंग स्टॉर्म चिप एंड हिट अ हैवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस अ स्टर्न, बट इट डज नॉट हेल्प मच। उन्होंने बहुत कोशिश की कि शिप को पीछे वाली उससे बांध कर जिससे कि वो स्पीड उसकी स्लो कर सके, लेकिन उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर अपने आप को बचाने के लिए लाइफ लाइन जैकेट्स पहन लिए और उन्होंने सब कुछ इंतजाम कर लिए जिससे कि वो अपने आप को सेव कर सके। फिर शाम तक वर्टिकल एंड हूज वेव स्ट्राइक्स द शिप, बहुत ही तेज जो वाइब्स थी वेव थी वो उसने स्ट्राइक किया शिप को और
और नरेटर जो पानी से शिप से बाहर काफ़ी तेज गिरा जाके लहरों के बीच में ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ से लग रहा था कि वो लगभग मरने ही वाला है और वो अपना कॉन्शियसनेस खोने ही वाला था, लेकिन द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न। तभी एक अचानक लहर ने उसे फिर से उस शिप में गिराया दोबारा, एंड ही सफर्ड इंजरी। और उसके काफ़ी बड़े झोंके से जब वो वापस शिप के अंदर गिरा तो उसकी रिब्स और टूट गई थी पसलियाँ, और उसके मुंह से काफ़ी खून बह रहा था, उसके दांत सारे टूट चुके थे। मोस्ट्री ही ग्रैब्स द गार्ड रेल, उसने फिर भी अपनी हिम्मत करके गार्ड रेल को ग्रैब किया एंड सेड द शिप में हूँ, और शिप को उसने सेव करना शुरू किया। उसने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्ट किया कि वो व्हील को पकड़े रहे, एंड देन ही से रियलाइज्ड दैट द शिप हैज वाटर इन द लोअर पार्ट्स। तब उसकी वाइफ ने कहा कि सारे लोअर पार्ट में शिप में पानी भर गया है। उसने अपने इक्विपमेंट्स को स्टार्ट किया कि वो पंपिंग करके बाहर पानी निकाले। नरेटर गोज़ टू हिज चिल्ड्रंस कैबिन एंड चेक ऑन देम, वो जाता है भागकर अपने बच्चों के कैबिन को चेक करता है। उसकी जो बेटी थी उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी थी सर पे, उसने फिर भी उसको इग्नोर किया। इस मेजर कंसर्न इज टू सेव द शिप, उसका मेन कंसर्न था कि कैसे भी उस शिप को बचा सके। नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होस, उसने क्या किया, वो जो उसने जहाज में होस हो चुके थे उनको किसी भी तरीके से उनको बंद करने की कोशिश की, और उसने शिप को काफ़ी होशियारी से उसको होल को बंद किया। एंड हैम पंप गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डिब्रिस एंड इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो चुका था, लाइट जा चुकी थी, फ्यूल ख़त्म हो रहा था। हाउएवर ही लेटर फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, कैसे भी उसने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक पंप पाया एंड कनेक्टेड टू ड्रेन द वाटर, उसने वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करी। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात पानी निकालते रहे शिप से। And their mayday calls are not answered as they are in the remotest corner of the world. उनका जो फंक्शनल एक्शन था वो काम करना बंद कर चुका था क्योंकि वो बहुत ही दूर थे उस कॉर्नर में संसार के जहाँ पे बिजनेस काम नहीं कर रहे थे। सू ने उस दूसरी तरफ हैज नाउ अ सोलन ब्लैक आई, सू को काफ़ी चोट लग चुकी थी, उसके सर पे काफ़ी बड़ा कट लग चुका था और उसकी आर्म्स में भी चोट लग गई थी, उसकी आंख में स्वेलिंग आ चुकी थी। इन सब के बावजूद भी उसने अपने फादर को नहीं बताया क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसके फादर उसके लिए वरी करें क्योंकि वो सबकी लाइफ बचाना चाहते थे। After 15 hours, the situation gets under control. 15 hours के बाद थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आई। नरेटर ने डिसाइड किया कि वो रोटेशन में रेस्ट करेंगे और वाटर लेवल कंट्रोल हुआ तभी लीकेज भी खत्म हुआ बिलो द वाटर लाइन। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ, अब शिप की कंडीशन काफ़ी बुरी हो गई थी। इट इज़ नॉट इन ए कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया एंड सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, उन्होंने एक सोचा कि जब शिप इस कंडीशन में है तो वो ऑस्ट्रेलिया ना पहुँच कर एक पास के ही आइलैंड इले एम्स्टर्डम जो कि फ्रेंच साइंटिफिक के लिए जाना जाता है सदर्न एरिया में उसमें वो स्टे करेंगे। आज देयर सपोर्टिंग इंजीनियर्स वर ऑल्सो डैमेज्ड, जो भी जो इंजीनियर्स थे वो सब डैमेज हो चुके थे तो चांस नहीं था कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके, इसीलिए उन्होंने इले एम्स्टर्डम में स्टे करने का फैसला किया। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर्स दे टुक साई ऑफ रिलीफ, उसके बाद 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द बोट, थोड़ा सा ही पानी रह गया था। दे होस्टेड अ स्टॉर्म जिव एज द मेन मास्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो शिप का मेन पॉइंट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। दे एट देयर फर्स्ट मील इन टू डेज, दो दिनों में पहली मील उन्होंने खाई जो कि उसकी वाइफ ने किसी भी तरीके से बचा के रखी थी। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द ब्लैक
क्लाउड्स टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5th, और रात में फिर से मौसम ख़राब हो गया और सुबह काफ़ी बारिश और तूफान आया, काले बादलों से घिर गया था पूरा मौसम। उसके जानथन जो कि 6 वर्ष का बेटा था, उसने अपने उसको मरने का बिल्कुल ही डर नहीं था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ था। एंड दिस फील्ड हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, और इसकी अपनी बेटी की ये बात सुनकर जो नरेटर था वो काफ़ी दृढ़ विश्वास हो गया कि वो अब इस प्रॉब्लम से अपने आप को, अपनी फैमिली को निकाल सकता है। एंड द स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड द नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड बोर्ड साइड। और फिर उसने काफ़ी स्ट्रगल करके, नरेटर ने बहुत ही कोशिश की थी लास्ट पार्ट ऑफ द वीकेंड पार्ट ऑफ द शिप को वो बचा सके। द सेम इवनिंग नरेटर एंड हिज वाइफ सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स थिंकिंग दैट देयर एंड वॉज नियर। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे हुए सब पूरे इंसिडेंट को सोच रहे थे कि वो लगभग मरने ही वाले थे। हिज शोल्डर कंटिन्यूसली सपोर्टेड हिम विच गेव हिम मॉरल सपोर्ट टू कीप गोइंग, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें बार बार मॉरल सपोर्ट दे रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी ये जो प्रॉब्लम्स थी और ये स्टॉर्म था उसको सर्वाइव किया। द वेव वॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट, और इस तरह से वो जो शिप था वो उस स्टॉर्म से बाहर निकला। द नरेटर देन कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजिशन वाई वर्किंग ऑन द विंड स्पीड। विंड स्पीड को देखकर उन्होंने अपनी एग्जैक्ट पोजिशन कैलकुलेट की। एंड वाइल ही वॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग सू गेव हिम अ कार्ड दैट शी हैड मेड एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अ फैमिली। जब वो ये सब काम कर रहे थे तभी सू आई और उसने एक कार्ड बनाया था जिसमें उसने अपने फैमिली और क्रू मेंबर को थैंक यू कहा था, जिस जो उन्होंने अपनी लाइफ को बचाने में स्पेंड करी। और उन्हें काफ़ी सारे उसने अपनी फैमिली के स्केचेस भी बनाए थे उस कार्ड में। उसने लैरी को इंस्ट्रक्ट किया कि 185 डिग्रीज पर अब वो उसको चलाएंगे। ही सेड दैट इफ दे वर लकी दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाय 5 PM, अगर वो लकी होंगे तो 5 बजे तक अपने आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। उसने थोड़ी देर रेस्ट करने को सोचा, 6 बजे तक उसने रेस्ट किया, तभी वहां पर ही बिलीव दैट दे डिड नॉट मेक इट एंड वॉज डिसअपॉइंटेड। उसे लगा कि वहां नहीं पहुंच पाए हैं और वो डिसअपॉइंट हो रहा था। लेकिन तभी उसका बेटा आता है, वो इन्फॉर्म करता है कि वो इले एम्स्टर्डम पहुंच गए हैं। ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन, उसने उसे बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन कहा अपने पिता को, नरेटर को। दे रीच द आइलैंड विद लिटिल स्ट्रगल, और वो इस तरह से स्ट्रगल के साथ वहां पर आइलैंड पहुंच जाते हैं। और अदर जो इनहैबिटेंट्स होते हैं उस इले एम्स्टर्डम के, वो उनकी हेल्प करते हैं। द होल टीम द फैमिली एंड 2 क्रू मेंबर्स नेवर स्टॉप ट्राइंग, इन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी उस स्टॉर्म से अपने आप को निकालने में। देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव देम, और उनके स्ट्रगल और हार्ड वर्क ने उनको सेव कर लिया। इस तरह से ये हमारी स्टोरी थी वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसमें नरेटर ये मैसेज देना चाहता है कि अगर हम साथ काम करें और कि वॉलेटाइल ना हो किसी भी सिचुएशन में, तो हम कितने भी बड़े तूफान से निकल सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि